हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविताज फ्लेवर। आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी ओट्स रेसिपी। ये ना केवल खाने में ज़्यादा टेस्टी होता है, बल्कि ये हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी भी देता है और वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही में दी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ ओट्स बनाने के लिए मैंने ये लिया है सफोला ओट्स। मैंने यहाँ 1 बोल सफोला ओट्स लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इस ओट्स को पैन में डाल देंगे। यहाँ हम गैस ऑन कर लेंगे और मैंने जितना ओट्स लिया है उसी बोल से हम मेज़र करके पानी डाल रहे हैं। मैं यहाँ पर 1 बोल पानी डाल रही हूँ और 1.5 बोल दूध डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1.5 बोल दूध डाला है और 1 बोल पानी डाला है और 1 बोल हमारा ओट्स है। अब इन सभी को स्टर कर लीजिए और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखिए और इसे पकने दीजिए। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। थोड़े बादाम मैंने क्रश करके डाले हैं, थोड़ा किशमिश डाल रही हूँ। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें वो डाल दें। उसके बाद इन्हें मिला दीजिए अच्छे से। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे थिक होता जाएगा, कुछ इस तरह से। बस इसको बनने में 5 to 6 मिनट्स लगते हैं और 5 to 6 मिनट्स में ये बनके तैयार हो जाता है। मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसकी जगह हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बनके तैयार हो गया है हमारा ओट्स। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हुआ है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी हो तो आप इसमें दूध मिला सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो आप इसमें कभी भी दूध मिलाइए और गर्म कीजिए और सर्व कीजिए। अब इसे 5 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे और इसमें एप्पल ऐड करेंगे। यहाँ मैं इसमें एप्पल ऐड कर रही हूँ। अब बस इन्हें मिक्स कर दीजिए अच्छे से और हमारा ओट्स बनके रेडी हो गया। अब चलते हैं हम इसे सर्व करने के प्रोसेस में। यहाँ हम अपने ओट्स को सर्व कर रहे हैं। ये देखिए कितना कम समय में और कितना एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट हमारा बनके तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। ये हमारा हेल्दी ओट्स बनके तैयार हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा एप्पल के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।